हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 9 अगस्त 2020 है, संडे का दिन है और हम जो आपको एक व्यू लेके आ रहे थे, एक ब्रेकआउट आया है मास्टिक में जो कि बहुत पुराने पे ब्रेकआउट है और टेक्निकल ब्रेकआउट है। एक अच्छा ये काम भी कर रही है और अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सैप में ये ओरेकल के साथ मिलके और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी काम कर रही है और इसकी पुरानी हिस्ट्री भी है जहाँ अच्छा अच्छा काम की हुई है। तो पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक मास्टिक जो है वो क्या है? तो मास्टेक इज ए प्रोवाइडर ऑफ वर्टिकली फोकस्ड एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। दी कंपनी ऑफरिंग पोर्टफोलियो इंक्लूड बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सर्विस कंप्राइजिंग ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन मेंटेनेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डाटा वेयरहाउसिंग, टेस्टिंग एंड एश्योरेंस इन लीगसी मॉडर्नाइजेशन। ये इसके बारे में है, ये कंपनी है और ये कंपनी अभी रिसेंटली आप देखेंगे मास्टेक रैंक्स 29th एज ए यूके फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन कंपनी इन द सीआई। इसकी मेन जो परफॉर्मेंस है ये बिजनेसेस हैं, मेन इसका यूके से 65% के आसपास आता है। और पहले जो 2020 के बारे में देखेंगे तो इसका जो 2020 में था वो यूएस में 23% था, यूके में 75% पे था और इंडिया में 2% था, जिसको ये टारगेट लिए थे कि हम बढ़ा करके लेके जाएंगे। तो मास्टेक के बारे में थोड़ा सा अगर हम चाहें तो थोड़ा सा मार्केट के बारे में सुने, उनके सीएमडी से ही सुन लेते हैं क्या बोलते हैं मास्टेक के बारे में। तो उनके सीएमडी से अगर सुने, उनके सीएमडी के बारे में, तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं। Reduce congestion in London. Along with Capita, we were involved in the major program in terms of the congestion charging scheme, which has been very successful in London. It actually helped reduce traffic there by almost 20%, way beyond the original expectation. The other program that we were involved in the public sector was the government health program, which creates an electronic health record for every UK citizen. And it's probably the largest data warehouse running in the world in the healthcare arena. All the treatment history and the medical history of these patients available in an anonymized fashion for secondary uses. We are involved in redefining the entire logistics systems for the Ministry of Defence in the UK to actually help mobilize the troop, the equipment, the supplies into a specified zone in a much shorter period of time. So this is a high profile project called Swift to Move. These are all examples of public sector work that we have done. In insurance, Capita, which is probably UK's largest outsourcer in the insurance space, has standardized on Elixir, which is our platform for life and annuity, as their platform of choice. So over a period of time, something like 15 million policies will get run out of Elixir, which is an end-to-end application for the life and pension industry. These are just some. I mean, we have done almost 600, 700 large programs over the last 27 years that we have been in business. And I think each one of those programs, we're proud that it's actually created an impact for the customer. Quality of our work is clearly measured. ये था इनका जो ये काम कर रहे हैं इसके बारे में। अब जहाँ एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लीजिए, अब इसका प्लेस शेयर होल्डिंग है 57%, 44-45% इनके पास होल्डिंग है और ये इनकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज भी है। आप देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड और बड़ी एजेंसियाँ जो हैं इनको एक्वायर कर रही हैं और कहीं ना कहीं इसमें एक पोजीशन जो है अच्छा खासा बनाया जा रहा है। आज इसका करंट प्राइस है 661 और अगर हम इसके लास्ट डे की क्लोजिंग को देखें तो एनएससी पे 660 का, ये प्रीवियस फ्लो 657 था, 656 का हाई बना रहा है। और इसके मूविंग एवरेज देखें तो सारे मूविंग 30, 50, 100, 150 और 200 को ये क्लोज कर चुका है। तो मूविंग एवरेज में सब ये सारी जगह को क्लोज करते हुए अपनी आगे आगे बढ़ते जा रहा है। अगर इसके पीएस कंपनी को देखें तो सबसे छोटे में ये मास्टेक आपको मिलेगा, जहाँ टीसीएस वगैरह सब आप देखिए, टीसीएस, इन्फोसिस, एसएल टेक, विप्रो इतने हाई प्रोफाइल में मिल रहे हैं। वहीं पे देखिए सेल्स क्वार्टर की जो सेल्स हो रही है उसके बारे में देखिए, एक मिडिल कैप स्मॉल कैप जैसी है कंपनी है और एक अच्छे भाव पे आपको मिल रही है। और अब टेक्निकली इसके बारे में भी देख लेंगे, पहले एक बार इसके सेल्स को भी देख लें सेल्स कैसा हो रहा है। तो सेल्स देखेंगे कंटिन्यू 900 से लेकर के अभी 1200 टिल जा चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इसको देखिए 14 से 16% तक जाते जा रहा है। तो फाइनेंशियली ये ख़राब नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका 15, जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 15% है, सेल्स ग्रोथ 25% है। कहीं ना कहीं ये बुक्स वैल्यू के टू टाइम्स पे मिल रहा है। इसके बुक वैल्यू है इसकी 323 करोड़ के आसपास, मार्केट कैप 1600 करोड़ है। 1600 करोड़ में कैश जो भी इनके पास होगा वो है, प्लस इसके पास 450 करोड़ के कुछ
नन कोर एसिड भी बढ़े हुए हैं। और ये कमिंग डेज में जब इवोसिस के साथ अपना टाई अप की है उसके बाद इसमें क्लाउड कंप्यूटेशन में इसकी एक बहुत बड़ी अच्छी पहुंच बनने को है। और अगर इसको टेक्निकली देखें तो आप देखेंगे ये यहाँ पर इस पीरियड में ये क्रॉस किया था 2000 के आसपास और आज वापस 2020 के आसपास यहाँ पे एक क्रॉस इसके हाई को क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर निकला है। तो पहली बार ये देखेंगे तो क्रॉस करते हुए अच्छा वॉल्यूम के साथ भी क्रॉस कर रहा है, वॉल्यूम भी बन रहा है। आप वॉल्यूम भी देखिए यहाँ पे बन रहा है, वॉल्यूम के साथ ये निकल रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। कंपनी भी अच्छी दिख रही है, कोई ख़राब कंपनी भी नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% है, 15% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो डेप्ट जो है सिर्फ 333 करोड़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 190 करोड़ का है। तो ये एक अच्छी कंपनी दिख रही है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आपको रिटर्न आगे दे सकती है। इसकी अपॉर्चुनिटी की बात करें अभी तो ये कंपनी जो है विथ करंट एटीएम पीई रेशियो इज लेस देन 3 इयर्स। यहाँ पे मेरे को जो आप इसको पढ़ लीजिए इसमें सबसे अच्छा जो लिख रहा है, ब्रोकर्स अपग्रेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ्स, इनसाइडर्स बाउट स्टॉक्स, ये सब कहीं ना कहीं हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी विथ हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड लो प्राइस अर्निंग रेशियो। तो यहाँ आप इसको देखेंगे ये इनसाइडर बाउट स्टॉक्स, ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन ऑन टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ्स, ये सब कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ें हैं जो दर्शाती है और हो सकता है कि ये आपको अच्छा। अभी रिसेंट देखें 9 अगस्त जो सॉरी अगर इसको अभी रिसेंट की डिलीवरी देखें तो इसको 24 मंथ्स की जगह पे हम इसको लास्ट 2 वीक्स की डिलीवरी कर लेते हैं। अगर इसकी रिसेंट रिटर्न को भी देखें आप, रिटर्न 1 डे है, 1 वीक है, 1 मंथ है, आप देखिए सब ग्रीन ही है, कहाँ से कहाँ जाए। अभी 1 मंथ में इसने 68% का रिटर्न दे चुका है और उसके बाद इसका ब्रेकआउट भी आया है, इसलिए अच्छा खासा है। और अगर ये ग्रोथ देता है तो आपको एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है ये। जस्ट मैं इसमें इसके 2 वीक्स के डाटा को लेते हैं, डिलीवरी परसेंटेज को लेते हैं इसके। तो आप देखिए अभी जो रिसेंट 1 जुलाई से 15 जुलाई में देखिए इसमें डिलीवरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, जबकि इसमें ज़्यादा 21,000, 20,000, 25,000, 27,000, लेकिन अभी देखिए डिलीवरी क्वांटिटी 1,42,000 और जहाँ पे इसकी ट्रेडिंग 1 करोड़ की हुआ करती थी वहाँ 27 करोड़ की हुई है 15 जुलाई को 2020 को। तो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा डिलीवरी परसेंटेज भी चल रहा है और लास्ट 7 डेज का भी देख लेते हैं इसे। ये लास्ट 7 डेज का देखेंगे 5 अगस्त तक जो भी हुआ इसमें, यहाँ पे देखिए इसका ट्रेडिंग वापस ये ट्रेडेड वैल्यू 8, 12, 14, 7 लाख, 8 लाख है, लेकिन डिलीवरी कहीं ना कहीं जब 20,000, 25,000 हो रही थी कंप्लीट 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 2 लाख की हो रही है। तो अभी आपको परसेंटेज 20-26% दिख रहा है लेकिन क्वांटिटी आप देखेंगे डिलीवरी क्वांटिटी तो इसकी 2 लाख के ऊपर हो रही है। ये बहुत ही लिक्विड काउंटर भी है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा कोई बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहे तो इसको आप वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और कहीं ना कहीं ये आपको आगे जाकर के हो सकता है कि आपको एक अच्छा गेन देते हुए आपको दिखेगा। चार्ट पे ब्रेकआउट है इसलिए एक अच्छा हो सकता है। इसका एंथिम है, उसके एंथिम के साथ इसको हम क्लोज करते हैं, घर घर करेंगे इसके एंथिम को सुनते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा कोई भी एडवाइस नहीं है मार्केट में पोजिशन बनाने का, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। आदमी जाप्या
some friends.